बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस पिवट टेबल की टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पर कुछ ईयर्स का डेटा है और पिवट टेबल किस लिए यूज़ होता है, इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पर। जो फर्स्ट देख रहे हैं उनको एक शॉर्ट इंट्रो में ये बता दूँ, डेटा एनालाइज करना है, अरेंज करना है डेटा को, रिपोर्ट बनानी है, इन सब कामों के लिए पिवट टेबल एडवांस एक्सेल में यूज़ किया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, कंपनीज़ में, बैंक्स वगैरह में इससे रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं। और आज ये वीडियो के अंदर में जो उसकी और एडवांस टेक्निक्स हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डेट का एक कॉलम है, कुछ ईयर्स का डेटा है यहाँ पर, 2020, 2021, 2018, 2019, और ये काफ़ी लार्ज डेटा है। कंट्रोल डाउन में कर रहा हूँ, लास्ट रेंज में आ जाएंगे, तकरीबन 4000 के करीब ये रिकॉर्ड है हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सिंपल टाइपिंग का काम हुआ हुआ है, डेटा एंट्री का, डेट टाइप हुई हुई, रीजन है, कंपनी है, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स बताया हुआ है। इसको हमें अरेंज करना है, यानी अगर हमसे कहा जाता है कि आपका 5 साल का रिकॉर्ड है, उसको आप अरेंज करके बताएं कौन सी कंपनी में किस कस्टमर ने और जो है जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमसे लिए हैं। तो इसमें डिपार्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, कस्टमर नाम मैंने रखा हुआ, क्वांटिटी कितनी गई किस ईयर के अंदर, क्या प्राइस रही, क्या सेल्स रही उसकी। तो इस तरह से जो है वो इसको अरेंज करना है अब, और ये हम करेंगे पिवट टेबल की मदद से आसानी के साथ, ठीक है जी। तो शायद नॉर्मल हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पिवट टेबल से आप देखेंगे कि ये कितना आसानी से हो जाएगा सारा काम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल भी होता है, यानी अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, फर्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं पिवट टेबल, तो आपको डेटा देख के कुछ प्रॉब्लम आ रही है किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा, कोई आइडिया नहीं है, तो आप रिकमेंडेड पर क्लिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड में क्या होगा, ये खुद से ही आपके डेटा को यूँ शो करेगा कि आप इस तरह से बना सकते हैं, क्वांटिटी, सेल्स देख सकते हैं, अलग अलग यानी क्राइटेरिया के हिसाब से ये आपको शो कर रहा होगा। अगर इसमें कोई ओके लगता है, आपकी जिस तरह की नीड है, अगर आपको उस तरह का ये डेटा लग रहा है इसमें से, तो ये रिकमेंडेड वाला आप ओपन कर लें, क्लिक कर लें और ओके कर लें। लेकिन हम अपना खुद से मैं बनाने का तरीका बताऊंगा और उसमें कुछ ट्रिक्स को देखेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे फिर पिवट, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंटायर डेटा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखें यहाँ पर ये सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ रही है। इधर हम आ जाएंगे तो शीट A1 से सेल H4001 तक रिकॉर्ड है वो लिखा हुआ गया, सिलेक्ट टेबल रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई, हमें ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट करने की। न्यू वर्कशीट, अब ये कह रहा है यानी इसी पे बनाना है पिवट का, यानी इस शीट पे देखना चाह रहे हैं पिवट टेबल, या अलग से एक शीट बनानी है। जैसे ही मैं अलग क्लिक करूँगा तो एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी पिवट के नाम से, शीट का नाम तो यही होगा लेकिन पिवट फील्ड के उसमें शो हो रही होंगे। न्यू क्लिक करके ओके, और अगर इसी पे बनाएंगे तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू करके ओके करेंगे। जैसे ही ओके किया देखें यहाँ पर शीट 4 ऐड हो गई पिवट टेबल की, और यहाँ ये पिवट टेबल फील्ड्स शो हो रही हैं, और यहाँ पर जो डेटा होगा आपका जितनी हेडिंग्स हो सारी इधर शो हो रही होंगी। फिल्टर कॉलम, वैल्यू, रो, इन चार में हम डेटा को ड्रैग करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही हम को किसी भी कॉलम्स को जहाँ हमें जो कॉलम इन जगहों पर ड्रैग करना है उनका रिकॉर्ड यहाँ रिपोर्ट की तरह से बनना शुरू हो जाएगा। यानी सिंपल सिर्फ हमें ड्रॉप एंड ड्रैग करना है और यहाँ पे वो रिपोर्ट शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये तो मुझे पता है तो मैं उस हिसाब से अरेंज करूँगा, लेकिन आपके पास जो भी डेटा है, जो अभी आप काम करते हैं प्रैक्टिकल प्रोफेशनल, उनका रिकॉर्ड आपको कौन सा कहाँ रखना है ये सवाल दिमाग में आता है, तो वो आप खुद समझ के रखेंगे। फ़िल्टर का मैं बता दूँ क्या होता है, जैसे हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है तो हम फ़िल्टर लगा लेते हैं, जैसे अलग अलग मंथ हैं तो हमें किसी एक मंथ को चेक करना है, फ़िल्टर से देख सकते हैं। कॉलम्स में किस अगर हम ड्रैग करेंगे तो डेटा इस तरह शो होना शुरू होगा, रॉ में रखेंगे अगर रिकॉर्ड तो इस तरह शो होना शुरू होगा। वैल्यू जो होगी उसमें क्वांटिटी, सेल, अमाउंट, इस तरह की जो नंबर वाले कॉलम्स होंगे उसको यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। अब पिवट टेबल इस तरह से आ रहा है, अगर आप इसको लेआउट डायग्राम के हिसाब से देखना चाह रहे हैं राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल ऑप्शन में या डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, या दिया क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, तो इसके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा बाकायदा पिवट टेबल की जो फील्ड्स हैं, ठीक है जी। ड्रॉप वैल्यू फील्ड हियर जो आप यहाँ देखना चाह रहे हैं कॉलम्स के हिसाब से उधर ड्रैग करें, यहाँ जो रॉ के हिसाब से देखना चाह रहे हैं ड्रॉप रॉ फील्ड हियर, ड्रॉप फील्ड हेडर्स जो आपको यहाँ पर कॉलम्स में हेडर्स बनाने वो आप यहाँ ड्रॉ करें, और फिल्टर सेक्शन ऊपर आ रहा है, ठीक है। वही चार चीज़ें हो गई, 1, 2, 3, 4 जो हमारे पास यहाँ पर चार थे। अब हमें सबसे पहले कंपनी चाहिए, फर्स्ट इस जगह पे रॉ में हम चाह रहे हैं कंपनी आ जाए, तो आप इसको ड्रैग इस तरह भी कर सकते हैं रॉ में यहाँ, या फिर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं लाके। जब आप इस तरह क्लासिक व्यू टेबल बना लेंगे प्योर टेबल का, तो फिर आप ड्रैग करके डायरेक्ट शीट पे भी छोड़ सकते हैं हेडिंग। जैसे आप यहाँ ड्रैग करेंगे तो देखें हेडिंग आपको यहीं नज़र आ जाएगी इसको, ठीक है जी। ये भी एक तरीका है,
उसके बाद कस्टमर्स भी हमें किस में चाहिए, रॉ में। तो यहाँ मैं कस्टमर को इधर एक दफ़ा मैंने डायरेक्ट टेबल में रख कर ड्रैग करके बताया, अब एक दफ़ा यहाँ रख कर दिखा रहा हूँ आपको। देखें, जैसे ही ड्रैग करा तो यहाँ पर इस तरह से कस्टमर्स के साथ हमारे पास उनके नाम्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अगर कस्टमर आप यहाँ नहीं रखना चाह रहे हैं, मैंने फिर बता दिया फ़िल्टर के अंदर रखने का फ़ायदा ये होगा कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं किसी भी फ़िल्टर करके, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ होगा रिमूव क्लियर। इधर मैं कंपनी के साथ रख देता हूँ उनकी प्रोडक्ट, यानी जिस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ इस तरह से। तो देखिए बेहतर व्यू नज़र आ रहा होगा, कंपनी के साथ जो हमने सेल किया है या जो हमारे पास से ऑर्डर गए वो सारे नाम हमारे आ रहे हैं हर कंपनी के नाम के साथ। अब कॉलम अगर ऑटो फिट करना है तो टॉप कॉलम पर जाएँ, डबल क्लिक, ऑटो फिट कंपनी के नाम के साथ उनके जो आइटम्स हैं वो लिखे हुए आ गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ यूनिट क्वांटिटी, यानी एयर के हिसाब से हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी किसकी क्या क्वांटिटी रही। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ इस जगह पे, ये आ गई क्वांटिटी। ठीक है जी, सम ऑफ क्वांटिटी यानी इधर आ गया, ये ड्रैग होके डायरेक्ट। और फिर उसके बाद मुझे कॉलम्स के अंदर चाहिए डेट, डेट वाइज यानी जितने ईयर का रिकॉर्ड है, जिस कंपनी का जो माल गया है हमारे पास से उनके ईयर के हिसाब से लिखा हुआ है, तो डेट जो आ रही है उसको हम ट्रैक करेंगे कॉलम्स में। जैसे ही मैं कॉलम्स में ड्रैग करूंगा तो देखिए इस तरह से ईयर्स में ही मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स में आ रही है। हो सकता है जब आप करें तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके ग्रुप में जाना पड़े, ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर इधर जो है ईयर क्लिक हुआ हुआ है, तो ये मेरे पास ईयर के हिसाब से आ रहा है। आपका हो सकता है कि इस हिसाब से मंथ वाइज आ रहा हो या क्वार्टर वाइज आ रहा हो, इस तरह से अगर आ रहा होगा तो फिर आपको राइट क्लिक करना है ग्रुप और इसका चेक हटाकर ईयर पे चेक लगा के ओके करना है, तो वो सारा डेटा आपका ईयर वाइज आ जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा अपने हिसाब से कुछ शो करना है तो वो आपकी मर्जी है। ग्रुप में आप मिनट आवर्स अगर हैं तो वो हिसाब से देख सकते हैं, डेज के हिसाब से देखना है वो क्लिक कर लें, मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। तो ईयर के हिसाब से मुझे सही लग रहा है तो ओके करके मैंने ईयर के हिसाब से रख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम देखें हर कंपनी के बाद जो नई कंपनी एक दूसरी आ रही है उसके साथ जो है, एक तो इसका टोटल आ रहा है, जैसे कंपनी ए का हमारे पास 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में ये रिकॉर्ड हमारा आ रहा है, क्वांटिटी जो गई है, और फिर उसका टोटल भी आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो टोटल है उसके टोटल बाय डिफ़ॉल्ट देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, उसके हर आइटम के टोटल के साथ एक ब्लैंक रॉ ऐड होनी चाहिए। तो इसके लिए जब हम पिवट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर एनालाइज और डिज़ाइन मेन्यू होता है, डिज़ाइन मेन्यू में ब्लैंक रो में जाएंगे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। जैसे ही ये क्लिक करेंगे देखें, अब जहाँ पर हमारा एक सेक्शन कंपनी का खत्म हो रहा है जिस ईयर का जो रिकॉर्ड है, उसके बाद ही दूसरा सेक्शन ब्लैंक है, फिर नई कंपनी आ रही है, फिर ब्लैंक है, फिर नई कंपनी आ रही है। और इस तरह से अगर आपको क्लियर करना है तो फिर आप ब्लैंक में ही जाएंगे, रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। ये तरीका था तो इस तरह से देखने का। कस्टमर की बात हो रही थी, कस्टमर में चारों फिल्टर में आ जाए, जिस कस्टमर को क्लिक करें तो सिर्फ उसी का रिकॉर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर अब कस्टमर वाली फील्ड जो होगी वो मैं फिल्टर में ड्रैग कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर ऑल कस्टमर का रिकॉर्ड है, मुझे किसी एक कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए, वहाँ क्लिक करके ओके करूँगा तो सिर्फ उस कस्टमर ने जो हमसे रिसीव किए हैं जिस कंपनी के लिए, वो सारे हमारे पास क्वांटिटीज़ लिखी हुई आ गई उन ईयर्स की। अब इसी तरह मुझे किसी और कस्टमर को देखना है तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके जो रिकॉर्ड हमारे पास से यानी गए वो सारे ईयर के हमारे पास लिखे हुए आ गए। ऑल करेंगे तो दोबारा से फुल डेटा शो हो जाएगा, ऑल क्लिक ओके। तो ये कितना जल्दी और कितना आसानी से सारे सिंपल स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने डेटा रिपोर्ट तैयार करी, अरेंज किया डेटा को, जो बहुत नॉर्मली हमारे पास टाइम लग जाता या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता और बहुत मुश्किल भी हो जाता है। पहले तो हमें सोचना पड़ता किस तरह से क्या करना है, वो कितना आसानी से पिवट टेबल ने रिपोर्ट जनरेट करके दी है। और इतना ही आसानी से इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको इतना ही शेयर करना है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, ताकि इस तरह की जो और वीडियो है वो भी आपको देखने को मिले और सीखने को मिलता रहे। इसी तरह से जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ पर आखिरी एक बात, अब जैसे कस्टमर है हमारे, मैं चाह रहा हूँ उसके हिसाब से जो है यहाँ पर सारी अलग अलग एक शीट्स ऐड हो जाए हमारे पास। ठीक है जी, जितने कस्टमर्स हैं, अब अगर हम चाह रहे हैं कि हर कस्टमर को, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं इसको क्लिक कर रहे हैं ओके कर रहे हैं तो अहमद का जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है, लेकिन अगर मुझे हर कस्टमर की सेपरेट सेपरेट शीट बनानी है तो ये किस तरह से करेंगे, इतना मुश्किल काम। तो यहाँ से अब देखें ये इस तरह कर सकते हैं, ऑल क्लिक, जैसे ही एनालाइज में जाएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शो रिपोर्ट फिल्टर, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर के हिसाब से चाहिए ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर एक कुछ सेकंड लगेंगे और देखें इतनी सारी शीट बनकर आ जाएंगी हर कस्टमर की, और जिस कस्टमर का जो ईयर का रिकॉर्ड है वो सारा उसके अंदर आ रहा होगा। ओके कर दें।
ये देखें, प्रोसेस के अंदर है, जैसी फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पर सारी अलग अलग शीट बनकर आ जाएंगी। ये देखें, एक कस्टमर, दूसरा कस्टमर, थर्ड कस्टमर, और सारे ईयर्स के रिकॉर्ड जो जो माल रिसीव हुआ उनके पास जिस कंपनी के लिए, वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास हर कस्टमर के नाम से अलग अलग शीट में बनकर आ गए। तो ये आज की टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी आपको, आपके लाइक से पता चलेगा और आपके कमेंट से पता चलेगा। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करें इस वीडियो को ताकि और भी सीख सकें और तक भी इसका नोटिफिकेशन जाए। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन, कोई क्यूरियस के लिए कमेंट करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।